हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन के इस फोर्थ पार्ट में देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और फर्मेंटेशन क्या होता है, एंड हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब बात करें कि व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो जैसे कि आपको पता है एरोबिक का मतलब होता है जब O2 इज यूज्ड, जब ऑक्सीजन यूज होता है तो हम उसको एरोबिक बोलते हैं, और एनएरोबिक का मतलब है कि प्रोसेस इन विच O2 इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें O2 यूज नहीं होता है उसको हम एनएरोबिक बोलते हैं। ठीक है, अब जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन इन विच O2 इज नॉट यूज्ड, यानी कि जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसका मतलब कि इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम एन एरोब्स या फिर एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन? तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दैट इज कि इसमें O2 इज नॉट यूज्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली 7%, ओनली 7% नहीं, लेस देन 7% ऑफ द टोटल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। यानी कि जो सबस्ट्रेट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, उससे हम अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करते तो हम जितना एनर्जी ऑब्टेन कर सकते थे उसका 7% या उससे लेस एनर्जी ही हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है? बात करें कि इसका सबस्ट्रेट कौन होता है, तो हेक्सोज शुगर इज दी सबस्ट्रेट। हेक्सोज शुगर जो है वो सबस्ट्रेट होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमने आपको ग्लाइकोलाइसिस सिखाया। ग्लाइकोलाइसिस, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा कि क्या होता था, ग्लूकोज जो है वो अल्टीमेटली पाइरुविक एसिड बनाता था। फिर जब हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एक हेडिंग जिसका नाम था फेट ऑफ पाइरुविक एसिड, फेट ऑफ पाइरुविक एसिड। तो जब फेट ऑफ पाइरुविक एसिड पढ़ रहे थे तो हमने उसमें उसके दो फेट्स मेनली पढ़े थे। एक तो हमने बोला था कि ये एरोबिक करेगा और दूसरा ये एनएरोबिक करेगा। अब ये एनएरोबिक और एक तीसरा तरीका ये हो सकता है कि ये फर्मेंटेशन कर सकता है। ठीक, तीसरा तरीका ये है कि फर्मेंटेशन भी एक एनएरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि
किस तरीके से फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट है और सिमिलर है। तो देखिए, एनएरोबिक और फर्मेंटेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो सबसे पहले, क्योंकि ये रेस्पिरेशन है तो ये एक, इट इज अ सेल्यूलर प्रोसेस, सेल्यूलर प्रोसेस, ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है। जबकि जब हम फर्मेंटेशन की बात करें तो इट इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, इट इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो बोथ दीज प्रोसेसेस यूज हेक्सोसुगर एज सबस्ट्रेट। दोनों के दोनों जो है वो क्या करते हैं, हेक्सोसुगर को यूज करते हैं एज अ सबस्ट्रेट। दूसरा पॉइंट ये है कि बोथ आर, बोथ रिलीज लेस एनर्जी एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इट अकर्स इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ O2। जब O2 का एब्सेंस होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है। फर्मेंटेशन जो है इट अकर्स इन लो O2 कंडीशन। O2 कंडीशन कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। O2 कंडीशन लो होता है वहां पर फर्मेंटेशन होगा। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज फर्मेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन, जैसा कि मैंने बताया, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो पाइरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना है उस पाइरुविक एसिड का हम फर्मेंटेशन करते हैं बाय डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्शन, और देखते हैं कि फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन इज सिमिलर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन बट इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो अपने को पढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, अलग अलग तरह के फर्मेंटेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला फर्मेंटेशन अपन पढ़ते हैं, दैट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है और इसमें क्या होता है, तो हमारे पास जो शुगर था, ग्लूकोज था या फ्रक्टोज था, जो भी शुगर था, उस शुगर ने ग्लाइकोलिसिस किया है और पाइरुविक एसिड बनाया है। जब हम इस पाइरुविक एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, CH3CO COOH, ठीक है। दिस इज पाइरुविक एसिड, ठीक है। ये क्या है, पाइरुविक एसिड है। अब इस पाइरुविक एसिड से क्या होता है कि इसके ऊपर पहले तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। पहले इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, और जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या होता है कि इट गिव्स CH3CHO plus CO2, ठीक है। CH3CHO plus CO2, ठीक है। अब ये जो CO2 बना, सॉरी, अब ये जो एल्डिहाइड बना, इस एल्डिहाइड का क्या होगा, तो ये जो एल्डिहाइड बना CH3CHO
अब इसका हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप एंड दैट इज रिडक्शन। इसका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन करके जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अपने को पता है अल्कोहल बनता है, दैट इज CH3CH2OH एंड दिस इज इथेनॉल। अभी जो पहला स्टेप है क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन का है तो जो एंजाइम यहां पर आएगा दैट विल बी पाइरूवेट डी कार्बोक्सीलेज, एंजाइम हो जाएगा पाइरूवेट डी कार्बोक्सीलेज। और क्योंकि यहां पर रिडक्शन हुआ है इसका मतलब कोई ऐसा आना चाहिए जो ये करवा सके, और वो कौन करवाएगा, तो ग्लाइकोलिसिस में बना हुआ NADHH+ ये क्या करेगा, H+ और इलेक्ट्रॉन्स दे करके खुद NAD+ में चला जाएगा। क्योंकि यहां पर अल्कोहल का सिंथेसिस हो रहा है तो जो एंजाइम होगा वो होगा अल्कोहलिक डी हाइड्रोजिनेज। तो इन दो स्टेप्स में ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कंप्लीट होता है। पहले जो आपका पाइरूविक एसिड है इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, और जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो CO2 रिलीज करता है और ये एल्डिहाइड बना देता है, और ये आपका एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, दिस इज एसिटल्डिहाइड। और ये जो एसिटल्डिहाइड बना है दो कार्बन का, ये एसिटल्डिहाइड का हम रिडक्शन करके और अल्कोहल बना देते हैं, क्लियर है। तो दिस इज हाउ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, और इसमें इथेनॉल की सिंथेसिस होती है, ठीक है। इस दौरान क्या कोई एनर्जी ऑब्टेन होता है, तो नहीं, एनर्जी तो ऑब्टेन नहीं होता है, लेकिन व्हाट इज ऑब्टेन्ड एज एन यूजफुल प्रोडक्ट इज द इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल वो यूजफुल प्रोडक्ट है जो इस प्रोसेस के दौरान सिंथेसाइज होता है। सर ये NADH कहां से आया, तो ये NADH जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में जो बना था वही यहां पर यूज हो जाता है, ठीक है। That means leaving only the net gain of 2 ATPs which was synthesized during glycolysis. जो glycolysis में 2 ATP बने थे वही का net gain होता है, clear है। इस process से जो ये alcohol बनता है इसका maximum concentration जो है, maximum concentration जो है that can only be up to 13%. Only up to 13%. If more concentration अगर चाहिए तो आपको एक process करना होगा, और उस process को हम बोलते हैं distillation, ठीक है। 12th class में आप लोग पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, अगर 11th में हैं तो आप 12th में पढ़ेंगे, और अगर आपने 12th पढ़ रखा है, आप dropper batch के हैं, तो आपने 12th में पढ़ा होगा कि आपको दो तरीके के बेवरेजेस होते हैं, एक जो डिस्टिलेशन से प्रिपेयर होते हैं, एक जो बिना डिस्टिलेशन के प्रिपेयर होते हैं। तो जो बिना डिस्टिलेशन के प्रिपेयर होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम होता है, एंड देयर एग्जांपल इज लाइक बियर, वाइन एटसेट्रा। और जो कंसंट्रेशन जिसका बढ़ाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, दे आर एल्कोहल्स विद हायर कंसंट्रेशन, और उनको हम उनके एग्जाम्पल्स जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कंसेंट्रेशन है दैट कंसेंट्रेशन इज ओनली अप टू 13%, और अगर उससे ज्यादा कंसेंट्रेशन वाला अल्कोहल बनाना है तो आपको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे, किसके अंदर होता है, तो दिस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन, इसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट, सैक्यूरोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है, सैक्यूरोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है जहां पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, क्लियर है। चलिए अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं, एंड दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 इज रिलीज्ड, उसमें क्या होता है CO2 रिलीज होता है, लेकिन इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में किसी भी तरीके का CO2 रिलीज नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही याद रखना है कि नो CO2 इज रिलीज्ड।
नो CO2 इज रिलीज्ड, इसका मतलब CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, दैट मींस देयर विल बी नो डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, दैट मींस देयर विल ओनली बी रिडक्शन, ठीक है। तो जब सिर्फ रिडक्शन होगा तो क्या होगा, तो हमने लिखा था कि जो पाइरुविक एसिड है हमारा वो CH3COOH है, ठीक है, ये पाइरुविक एसिड है, और अगर इसका हम रिडक्शन करें, ठीक है, इसका हम रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा कि रिडक्शन के दौरान अगेन NADHH+ आ जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NAD+ एंड इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स टू पाइरुविक एसिड, ठीक है, दिस इज पाइरुविक एसिड। अब इस पाइरुविक एसिड का क्या होगा, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड दिखता कैसा है, तो इट इज CH3COOH, और यहां पर इस ग्रुप का ये बन गया, ठीक है, यानी कि कीटो ग्रुप जो है वो किसमें चेंज हो गया है, इट हैज चेंज टू अल्कोहलिक ग्रुप, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, एंड दिस इज लैक्टिक एसिड, ठीक है, दिस इज लैक्टिक एसिड। एंड आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पाइरुविक एसिड है वो भी तीन कार्बन का है, और लैक्टिक एसिड जो है वो भी तीन कार्बन का है, एंड देयरफॉर देयर हैज यहां पर किसी भी तरीके का डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है, और क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है तो CO2 भी रिलीज नहीं हुआ है, एंड हेंस नो CO2 इज रिलीज्ड, ठीक है। अगेन द सेम क्वेश्चन कि ये कहां से आया, तो ये वही है जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, कब बना था, जब PGAL चेंज हो रहा था किसमें, इट वॉज चेंजिंग टू 1,3-bypga में, जब 1,3-bypga में चेंज हुआ था तो यहां पर क्या हुआ था, तो NAD+ got converted into NADHH+, और यही NADHH+ यहां पर यूटिलाइज हो जाता है। इसका मतलब इसमें भी नेट गेन जो है वो 2 ATP का है, और ये 2 ATP कौन सा, तो वही ग्लाइकोलाइसिस वाला, ठीक है। ये बार बार इस पे स्ट्रेस इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि इसमें और भी किसी तरीके का एनर्जी रिलीज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 ATP रिलीज होता है, और अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं इस 2 को 36 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास समथिंग आएगा, 5 या 6%, ठीक है, विच इज लेस देन 7%, तो इसीलिए बोलते हैं फर्मेंटेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज लेस देन 7%, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं और भी फर्मेंटेशन होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, आपका ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, तो देखिए एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है और ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, तो जब एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो कुछ नहीं, पहले उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, और अल्कोहल जो बनेगा, जो अल्कोहल बनेगा इथेनॉल, उसी इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा के और क्या बना देते हैं, एसिटिक एसिड बना देते हैं। तो पहले आपके पास पाइरुविक एसिड था, वो पाइरुविक एसिड जो है वो इथेनॉल बनाएगा, और इस इथेनॉल का हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा देंगे, और ये हमें एसिटिक एसिड दे देगा, ठीक है, ये हमें क्या देगा, एसिटिक एसिड दे देगा, दिस इज एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां होता है, तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस में होगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस लैक्टाई में होगा, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कर्ड में और मिल्क में प्रेजेंट होता है। उसके बाद एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो ये किसके अंदर होगा, तो ये एसिटोबैक्टर एसिटाई के अंदर होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, एसिटिक एसिड का सिंथेसिस होगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन में कुछ नहीं, 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करते हैं, 2 लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, दैट मींस दे विल फॉर्म 6 कार्बन, और उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, 2 CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा, और प्लस 1 ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन में ब्यूटायरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, पर वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर आपको ये 2 फर्मेंटेशन पता होने चाहिए, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, यहां पर एंजाइम हमने नहीं लिखा, और वो एंजाइम कौन सा है, तो यहां पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, तो यहां पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, और यहां पर जो है वो 2 एंजाइम्स यूज होते हैं, फर्स्ट जो है डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज आता है, और बाद में रिडक्शन करवाने के लिए अल्कोहलिक d
डिहाइड्रोजिनेज आता है, ठीक है। तो इस स्टेप पर अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज चाहिए होता है, इस स्टेप पर पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज चाहिए होता है, यानी कि इसमें दो एंजाइम्स चाहिए, उसमें एक ही एंजाइम होता है, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होता है। इससे अल्कोहल बनता है और उससे लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। यह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सिर्फ और सिर्फ बिवरेज इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, और बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो इवॉल्व्ड CO2 है, इस CO2 का एप्लीकेशन लेते हैं टू मेक द केक एंड द डव्स पफी, ठीक है। तो पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डो इज ड्यू टू द इवॉल्व्ड CO2 ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अच्छा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है उससे लैक्टिक एसिड कहां बनता है, तो लैक्टिक एसिड आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, या कोई भी जो मैकेनिकल वर्क कर रहा है उसके मसल्स वगैरह में पेन होता है तो वो क्यों होता है, तो दैट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। अच्छा, तो ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन क्यों होता है, क्योंकि जब हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय हमारा बॉडी जो है वो ऑक्सीजन डेप्थ में होता है, यानी कि ऑक्सीजन से डिप्लीट होता है, तो उस समय हमारे सेल्स जो है वो फटाफट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने के दौरान वो पाइरुविक एसिड बना लेते हैं, और उस पाइरुविक एसिड को वो फर्मेंट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से पेन होता है। अब जब ऑक्सीजन डेप्थ का डेफिनेशन पूछा जाता है वो क्या है, तो जब हमने कोई मस्कुलर एक्टिविटी किया या एक्सरसाइज किया उस दौरान जो लैक्टिक एसिड बनके एक्यूमुलेट हुआ, इस लैक्टिक एसिड को ब्रेक करके, ठीक है, इस लैक्टिक एसिड को ब्रेक करने में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है, दैट ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ दैट ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी किसकी, फर्मेंटेशन की, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में रह गया है, और वो छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं आरक्यू। RQ is respiratory quotient. RQ is respiratory quotient. अच्छा, तो ये respiratory quotient क्या है, तो क्योंकि ये quotient है तो ये कोई ना कोई ratio होगा, ठीक है। तो RQ को हम define करते हैं as volume of CO2 evolved अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो इट इज अ रेशियो, जब किसी सब्सट्रेट का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या किसी सब्सट्रेट को यूज करके आप सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उस सब्सट्रेट को ऑक्सीडाइज करने में, उस सब्सट्रेट का यूटिलाइजेशन करने में हमने क्या वॉल्यूम O2 का कंज्यूम किया और क्या वॉल्यूम CO2 का इवॉल्व किया, उसका जो रेशियो होता है वही अपने को क्या देता है, RQ, उस सबस्ट्रेट का RQ, और उस RQ को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। अच्छा, इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो इट इज मेजर्ड बाय गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर। गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर इज अ डिवाइस जिससे हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स जो हैं उनका क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप ग्लूकोज को एज एन एग्जांपल लेकर के, क्योंकि हमने ग्लूकोज पर पढ़ाई लिखाई करी है, तो हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है उसमें हम 6 O2 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं और 6 मोल CO2 इवॉल्व होता है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों के वॉल्यूम्स बराबर हैं, देयरफॉर दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम। इसका मतलब कि जब कभी हमसे कार्बोहाइड्रेट्स का RQ वैल्यू पूछा जाएगा तो दैट इज 1, ठीक है, दैट इज 1। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब आप RQ बोल रहे हैं दैट मींस देयर मस्ट बी अ यूज ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वरना कार्बोहाइड्रेट्स जब एनएरोबिकली रेस्पायर करेंगे दैट मींस दे विल अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन, तो उस दौरान किसी भी तरीके का O2 का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में लिखा जाए कि क्या कहते हैं ग्लूकोज जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, ग्लूकोज की मदद से हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, तो बताइए उसका RQ वैल्यू क्या है, तो उस समय RQ वैल्यू 1
नहीं होगा, ठीक है। और जब नहीं मेंशनड है कि एरोबिक है या एनारोबिक है, तो इट इज कंसिडर्ड एज एरोबिक एंड द आंसर इज वन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हम कुछ कुछ और सबस्ट्रेट्स का लिख लेते हैं, जैसे कि हम बात करें प्रोटीन का, ठीक है, हम बात करें फैट्स का। फैट्स में आपके एनसीईआरटी में ट्राई पैल्मिटीन के बारे में दिया हुआ है, इसकी बात करें, ठीक है। हम बात करें जेरोफाइट्स का, हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स का, मिक्स्ड डाइट का, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। इन सब का बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आरक्यू वैल्यू देते हैं। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि जो प्रोटीन्स हैं उनका आरक्यू वैल्यू जो है वो 0.9 है, और फैट्स यानी कि फैट्स में भी जो ट्राइपाल्मिटीन है उसका अगर बात करें तो उसका डेटा 0.7 है। यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स और फैट्स का आरक्यू वैल्यू क्या है, तो इनका आरक्यू वैल्यू आप बोल सकते हैं कि दे आर लेस देन वन, ठीक है, लेस देन वन। यहां पर एक स्पेशल फैट का कंसिडर करके उन्होंने 0.7 डेटा तो लिख दिया है, बट देखा जाए ओवरऑल फैट्स का या प्रोटीन्स का तो उनका क्या होता है, लेस देन वन होता है, ठीक है, लेस देन वन होता है। अब हम बात करें सकुलेंट जीरोफाइट्स का। तो जब हम बात करते हैं सकुलेंट जीरोफाइट्स का, तो जो जीरोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो जीरोफाइट्स जो है वो CO2 को इवॉल्व नहीं करते, ठीक है, वो CO2 इवॉल्व नहीं करते। तो जब उनका वॉल्यूम CO2 का इवॉल्व जीरो होता है तो दैट इज जीरो, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं इनका मोर देन वन होता है, जैसे कि आप ऑक्सालो एसिटिक एसिड का बात कर लें, ठीक है, आप और कोई एसिड ले सकते हैं, तो ऑक्सालो एसिटिक एसिड का जो है वो वैल्यू जो है वो 4 होता है, ठीक है। ऑक्सालो एसिटिक एसिड का जो आरक्यू का वैल्यू होता है दैट इज 4, ठीक है। इसके बाद आप मिक्स्ड डाइट की बात करें तो मिक्स्ड डाइट का जो है वो लेस देन 1 होता है, लेस देन 1, ठीक है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन का पूछें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ O2 होता है कंज्यूम्ड होता है दैट इज 0 एंड देयरफॉर इट इज इनफिनिटी, ठीक है, ये क्या होता है, इनफिनिटी होता है, ठीक है। ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड नहीं बल्कि ये ऑक्सालिक एसिड है, ठीक है, ऑक्सालिक एसिड का जो है वो क्या होता है, 4 होता है ऑक्सालिक एसिड, ठीक है, इसका 4 होता है। मैलिक एसिड का लें तो मैलिक एसिड का जो है वो 1.33 के आसपास कुछ होता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जो कि आप आरक्यू वैल्यू बता सकते हैं। ये मिक्स्ड डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कई बार एक और पूछा जाता है जो कि है मैच्योर फैटी एसिड, मैच्योर फैटी सीड्स। तो इस मैच्योर फैटी सीड्स का अगर बोले तो इनका भी मोर देन 1 होता है, ठीक है, मोर देन 1, क्लियर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आरक्यू वैल्यूज हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये छोटा सा लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने फर्मेंटेशन कवर किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे चर्चा किया और आरक्यू वैल्यू के बारे में बात किया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्मेंटेशन के दौरान एनर्जी जो ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस वाली एनर्जी कंसिडर करके बतानी है कि जो एनर्जी है वो लेस देन 7%, और जो कि आप 280 के आसपास बोल सकते हैं अगर किलो कैलोरीज में पूछा जाए तो 20-30 किलो कैलोरीज के आसपास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, तो आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, पर आपको मेनली 2 पढ़ने हैं जो कि अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है उसमें आपने देखा कि किस तरीके से 2 स्टेप्स होते हैं, पहले डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और डिकार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते हैं कि जो पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है उससे हम एक CO2 निकाल करके और एसिटल्डिहाइड बनाते हैं, वो एसिटल्डिहाइड का फिर हम रिडक्शन करके और इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट देखा था कि इसके 2 स्टेप्स के 2 अलग अलग एंजाइम्स थे। पहला स्टेप जो था उसमें क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था पाइरुवेट का, तो एंजाइम का नाम था पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, और दूसरे स्टेप में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था बाय
रिडक्शन स्टेप, तो इसलिए उसका उसके एंजाइम का नाम था अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। दूसरी बात हमने देखा कि इसमें जो अल्कोहल बनता है, दैट अल्कोहल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज हैज अ कंसेंट्रेशन विच इज लेस देन 13%, और अगर इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन की आप बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जो बनाने वाला ईस्ट है जिसकी मदद से ये फर्मेंटेशन कराया जा रहा है वो खुद को मार देता है, यानी कि उसका डेथ होने लगता है। तो इस वजह से उसके बियॉन्ड कंसेंट्रेशन का अल्कोहल बनाया नहीं जा सकता, तो उसको बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस करना पड़ता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन से आप 13% से ज्यादा कंसेंट्रेटेड अल्कोहल बना सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पढ़ा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमने देखा कि किस तरीके से जो पाइरुविक एसिड होता है उस पर जो कीटो ग्रुप होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप में रिडक्शन से चेंज हो जाता है, और जो पाइरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में।